फुल कार्बन फाइबर देख रहे हैं, मतलब क्या ही टेक्सचर है, ओरिजिनल कार्बन फाइबर, सुपर बाइक वाला फील देता है ये सब जो है ना। तो ये रहा अपना पूरा रैप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बाकी कैसे हो सब लोग बताओ जरूर कमेंट बॉक्स में। नीचे वाला अंडर बेली है तो इसको भी हम लोग पहले खोल लेते हैं एंड इसके ऊपर देखते हैं कौन सा होएगा, आप लोग को देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा अपना पूरा रैप, देख सकते हो भाई क्या ही बॉल वाला रैप लाए हम लोग इस बार। लीडर लगा हुआ है इसके अंदर, मतलब इसको मैंने 5 फुट लिया है और ये देख सकते हो रेड कैंडी भाई, इसको मतलब अलग, ये क्रोम जैसा दिख रहा है बट ये क्रोम नहीं, ध्यान से देखो ये रेड कैंडी है, इसके ऊपर लेमिनेशन है, ये लेमिनेशन हटाएंगे उसके बाद अच्छा दिखेगा। और यार इज द लेजेंड कार्बन फाइबर फाइडी, और ये मैंने कुछ लिया है 15 फीट कार्बन फाइबर लिया है और ये 10 फीट ये लिया है। तो अभी हम लोग जो ये अंडर बेली है इसके ऊपर करने वाले, इसके ऊपर कार्बन होएगा, रेड होएगा या फिर वाइट होएगा, जल्दी से गैस करो। अब बढ़िया है, तो अभी हटाएंगे थोड़े दिनों में, बस अपनी बाइक का काम हो जाए। और बाइक यार अपनी बाइक यहाँ खड़ी है, देख रहे हो अंडर बेली निकाल दिया है पूरा। चलो तो फटाफट इस वाले पार्ट को रैप करते हैं। मस्त हम लोग पूरा वॉश वॉश कर दिए और पूरा पॉलिस पेपर से घस दिए, कचरा उचरा लगा था, तो अभी मस्त इसको रैप करते हैं। So, ये रहा फाइनल बिफोर एंड आफ्टर, देख रहे हो क्या फिनिशिंग आया, और ओरिजिनल कार्बन फाइबर लग रहा है एकदम। So, ये रही अपनी कार्बन फाइबर, इसका पीछे लाए पूरा सीट वीट सब खोल दिए, एक टेल भी देख रहे हो खोल गया है पूरा, हाथ में आ जा रहा निकल के। अभी एक टकला बच्चा देखो इधर चिल्ला रहा है कब से, ये निकाल दिए, ये भी पुराने अभी निकाल देते हाथ से। और बाकी जरा साइड वाला थोड़ा सा चेकआउट करो, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, देखो थोड़ा सा चेकआउट करो बस, बाकी का बाद में। डैशबोर्ड है आगे का और ये राइट साइड का ये, तो अभी मस्त इसको हम लोग यहाँ पे कार्बन फाइबर रखे, अब इसको रैप करते हैं। ठीक है, ये चेकआउट करो भाई, फुल कार्बन फाइबर देख रहे हैं, मतलब क्या ही टेक्सचर है एकदम प्यारा सा। और इसका दूसरा पार्ट भी दिखाता हूँ, चलो जल्दी। तो दूसरा पार्ट है यहाँ पे, देख रहे हो घर के अंदर मैंने रखा है, ये भी पूरा देख रहे हो क्या ही टेक्सचर आया भाई। ये थर्ड वाला पार्ट जो बीच में लगता है, आप लोग देख सकते हो अभी अपनी बाइक पूरी ब्लू है। तो पिछले वाले ब्लॉग में आप लोग ने देखा था कि अपनी बाइक को हम लोग ने पूरा रैप वगैरह सब निकाल दिए, पूरा ब्लू कर दिए। और तो अभी इस ब्लॉग में थोड़ा सा चेंजेस है, मतलब 3-4 दिन लगा मेरे को ये सब करने में। आप लोग को दिखाते हैं अपनी बाइक का नया लुक, 1, 2 flow like water so I'm going mainstream. कैसा लगा न्यू लुक बताओ जरूर कमेंट करके। देखो इसमें बहुत सारे चेंज है आप लोग को दिखेगा, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तब आप लोग को दिखेगा कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ है, तो जरा देख सकते हो। हम लोगों ने बहुत मेहनत से किया ये पूरा, देख रहे हो ना ये सब देख रहे हो, एकदम प्रीमियम, ये सब सुपर बाइक वाला फील देता है ये सब जो है ना ये।
एकदम सुपर बाइक वाला फील देता है। तो बाइक को इस साइड से चेक करो, देख रहे हो मतलब नीचे वाला जो अंडर बेली है वो पूरा निकाल दिया है, और जितना भी यहाँ पे सब रैप था, सब रैप वगैरह सब निकाल दिया है। तो इस साइड से देख लो बाइक में, जहाँ भी देखोगे जितना भी ब्लैक पार्ट है सब अच्छा लगेगा। तो उस हिसाब से हम लोग ने देख सकते आप लोग, जितना भी कार्बन पार्ट है मतलब जितना भी ब्लैक कलर का पार्ट था सबको हम लोग ने कार्बन कर दिया है। देख रहे हो पूरा ये पूरा कार्बन फाइबर से रैप किया हुआ है, मैंने किया था पहले से ही। और पीछे वाला टेल सेक्शन, मतलब अपनी बाइक है जो इस साइड से पूरी न्यू लुक आ गई, पूरा चेंज हो गया है। तो अभी बस आधा काम बाकी है कि अभी इस साइड का बाकी है, देख सकते हो यहाँ पे बाइक थोड़ी गंदी है तो उसको इग्नोर कर देना। इस साइड का देख रहे हो ये डैशबोर्ड और ये नीचे वाला ये पैनल, और मतलब और भी थोड़े मोड़े पार्ट है सब, और नीचे वाला अंडर बेली उसको रेड करना है, वो सब घर पे पड़ा हुआ है पार्ट, तो सबको अभी करेंगे तो उसमें भी थोड़ा टाइम हम जाएगा, सब हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा देंगे। मतलब अपने साथ एक बहुत ही बुरा सीन हो गया है, मैंने सोचा कि चलो चलते हैं यहाँ पे बाहर, देख रहे हो कितना अच्छा प्यारा सा रोड है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे जस्ट चलते और अपना एक मोटो ब्लॉग शूट करते, छोटा सा क्लिप। यहाँ पे देख सकते हो ये माइक, जो हम लोग माइक लगाते हैं यहाँ पे 3.5 mm जैक लगता है, पूरा टूट गया यहाँ से यार। तो अभी मतलब बहुत बुरा सीन हो गया इसका। माइक देखो यहाँ पे मैंने रखा है, किधर गया बाहर आजा भाई, ये देख रहे हो यहाँ से देखो पूरा टूट गया यार। तो अभी अपने को ये नया मंगाना पड़ेगा, तो अभी ऑर्डर करेंगे तो उसमें भी 3-4 दिन जाएगा। तो बाकी आप लोगों को मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताता हूँ कि बाइक में जो भी चेंजेस होने वाला सब अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। पहले से मेरा मन था कि जो नीचे वाला अंडर बेली है उसको रेड करेंगे, और ये व्हाइट वाला जो पट्टी आप लोग बताओ आप लोग अच्छा लग रहा है कि नहीं, वरना फिर व्हाइट वाले को हटा देंगे। ये वाला देख लो जो ये हेड दिख रहा है आप लोगों को सामने, इसको मैंने रेड किया था पहले, फिर बहुत लोगों ने बोला कि अच्छा नहीं लग रहा है, घर पे भी बोली कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने उसको हटा दिया। तो ये लुक थोड़ा सिंपल और लग रहा है, अलग लग रहा है बस। जो पीछे वाला दिख रहा है ये टेल, यहाँ पे हम लोग कार्बन फाइबर किए तो इसके ऊपर भी कुछ अच्छा सा नाम वगैरह लिखेंगे, देखते हैं सब आगे होएगा। होएगा अपने दूसरे ब्लॉग में होएगा। तो आई होप आप लोग को ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो, और आप लोग का बहुत अच्छा प्यार व्यार मिल रहा है कि मैं मतलब ब्लॉग्स थोड़ा लेट भी डाल रहा हूँ, 5 दिन 4 दिन 6 दिन के बाद भी ब्लॉग्स डाल रहा हूँ, तो आप लोग का सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच, ऐसे प्यार दिखाते रहो, फिर मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक अपना GoPro का माइक वगैरह भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, राइड सेफ राइड हार्ड, और इन्जॉय करते रहो। और एक बात और शेयर करना था, तो अभी बहुत लोगों को पता होगा प्रो राइडर 1000 थे, उनका डेथ हो गया सैटरडे। कल का प्लान था कि कल संडे, और हम लोग एक हफ्ते पहले से प्लान करके रखे थे कि संडे है और जाएंगे मस्त छोटा सा राइड, बड़ा राइड करके आएंगे, जवार है हिल है, बहुत अच्छा हिल है, क्या लीन वीन मारने के लिए एकदम मस्त। वहीं पे हम लोग का जाने का मन था, फिर अपने राइडर भाई प्रो राइडर 1000 का ऐसा हो गया ना, तो देखने के बाद मतलब पूरा अजीब लग रहा है अंदर से, तो इसलिए अभी राइड वाइड पे जाने का उतना मन नहीं है। बाकी अपनी बाइक के अंदर ही जो इस साइड का तो कम्प्लीट हो गया है, तो ये साइड का जो है हम लोग इस साइड को पूरा कम्प्लीट करेंगे अभी थोड़े दिन में, 3-4 मतलब ये करने में 3-4 दिन तो लग जाएगा, तब तक अपना माइंड फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद राइड वाइड का सोचेंगे, क्योंकि अभी हिम्मत नहीं कहीं बाहर बाहर जाने का, ठीक है। बाकी बहुत बुरा हुआ बाइक के साथ, तो वैसे बहुत लोग व्यूज़ पाने के लिए थंबनेल वगैरह लगा रहे, तो ऐसा कोई कुछ करो मत, ठीक है। चलो राइड सेफ और सेफ्टी गियर वेयर करो, चलो बाय बाय।